जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ मैथ का न्यू सिलेबस, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2021 और 22 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपको इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब मैं एक एक करके बताने वाला हूं, और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का होगा सब आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपके हर अपडेट के साथ साथ इस पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जाता है। तो कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने पहले इसके लिए लिख रखा है यहाँ पर क्या क्या ना पढ़े। तो आओ दोस्तों, मैंने हिंदी का भी सिलेबस बता दिया है, अगर आपने हिंदी का सिलेबस नहीं देखा अभी तक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, पहले आप उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है सब बता दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या क्या ना पढ़े, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इकाई 2 है आपका बीजगणित। बीजगणित में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला चैप्टर होगा आपका बहुपद। बीजगणित में बहुपद आपको नहीं पढ़ना है। अब बहुपद के अंतर्गत आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है ध्यान दीजिए, बहुपद के शून्यांक नहीं पढ़ना है, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध नहीं पढ़ना है, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, ये सब नहीं पढ़ना है बहुपद के अंतर्गत बीजगणित में, ठीक है दोस्तों। अब आता है चैप्टर अगला समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से भी कुछ कट किया गया, क्या किया गया देख लीजिए। समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग, ये आपको नहीं पढ़ना है। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, ये दो चीजें आपको समांतर श्रेणी में नहीं पढ़ना है, दो टॉपिक ये भी है। अब आता है इकाई 4 ज्यामिति। ज्यामिति में क्या क्या नहीं पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। आपको ज्यामिति में वृत्त नहीं पढ़ना है, वृत्त के अंतर्गत क्या नहीं पढ़ना उस पर ध्यान दीजिए। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये आपको ज्यामिति के अंतर्गत नहीं पढ़ना है। देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपको नहीं पढ़ना है। दूसरी आती है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये दो प्रमेय आपको वृत्त के अंतर्गत नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है बात दोस्तों इकाई 5 का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको क्या नहीं पढ़ना है, त्रिकोणमिति है सरसमिकाएं। अब क्या है देखिए दोस्तों, इसमें सरसमिका एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इसका अनुप्रयोग आपको नहीं पढ़ना है, कोई स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग ये आपको नहीं पढ़ना है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अगला आता है इकाई 7 में प्रायिकता। प्रायिकता भी आपको नहीं पढ़ना है, प्रायिकता के अंतर्गत आपको क्या नहीं पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा नहीं पढ़ना है आपको, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, ये सभी दोस्तों नहीं पढ़ना है। जितना नहीं पढ़ना है मैंने यहाँ पर सबको लिख दिया है, ठीक है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है और वह टॉपिक कितने नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है और जो आपको पढ़ना है वह टॉपिक कितने कितने नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आपको अब क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कितने मार्क्स का होगा, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आएगा, मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। जो जो आपको नहीं पढ़ना है आप अपने बुक पे टिक लगा लीजिए कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसको आप छोड़कर तैयारी करिए। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं एग्जाम में तो जो जो मैंने बताया कि नहीं पढ़ना है आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है बता दे रहा हूं। देखिए संख्या पद्धत, संख्या पद्धत में आपको पढ़ना है और संख्या पद्धत में क्या नहीं पढ़ना है ये आपको बता दिया गया। अगर सब कुछ पढ़ना होगा तो भी बता दिया गया है, इसके पहले मैंने बता दिया क्या क्या नहीं पढ़ना है, अपने पहले आप बुक में टिक लगा लीजिए, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए संख्या पद्धत से आपका 5 नंबर का यहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है। बीजगणित से 18 नंबर का प्रश्न आएगा, सबसे ज्यादा नंबर आपको बीजगणित से ही मिलेगा ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है।
और आप अगला आता है ज्यामिति। ज्यामिति जो होगा 12 नंबर का प्रश्न देके जाएगा आपको, 12 नंबर देके जाएगा ये चैप्टर। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से कुल 10 नंबर का प्रश्न आएगा। ध्यान दीजिएगा यहां से नंबर लेस हो गया, यहां पहले 18 नंबर का ये भी आता था लेकिन अब इसको कम कर दिया गया, 10 नंबर पे कर दिया गया है। ठीक है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड होते हैं, मैं सबका तैयारी करा दूंगा सभी सब्जेक्टों का। अब ध्यान दीजिएगा 10 नंबर यहां से भी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर पूरा आपको तैयारी करा दिया जाएगा। ठीक है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का। आप 90% प्लस एग्जाम में रिजल्ट लेके आओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं अगर आप इस चैनल से तैयारी करोगे तो। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है दोस्तों सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता मिलाकर 10 नंबर का यहां से भी प्रश्न आएगा। प्रायिकता से अगर आएगा क्वेश्चन, प्रश्न आएगा कुछ भी आएगा, तो 2 या 3 नंबर का प्रश्न प्रायिकता से बनेगा, सांख्यिकी से 7 या 8 नंबर का प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर नेम, क्यों हो गया मार्क्स, कितने मार्क्स आएगा अगर हम टोटल करेंगे तो ये पूरा 70 नंबर का होगा आपका पेपर। ठीक है, और 30 नंबर तो आपको स्कूल से मिलेगा, तो आप अपना स्कूल से समझ लीजिएगा। 70 नंबर की मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से। तो इधर उधर कहीं भटकिए मत, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। और आप 90% प्लस लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, अब बने रहिए। और दोस्तों अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का सिलेबस चाहते हैं 2021-22 बोर्ड के लिए, तो आप मुझसे कमेंट करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यू सिलेबस के साथ और आपके बोर्ड एग्जाम के टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।